Dear students, this is Devinder Kaur and welcome to my YouTube channel the Enlightened Room. In this video, we are continuing our class 10 topic types of chemical reactions, in which until now we have studied about the combination reaction. Now, what combination reaction is? Combination reaction is a reaction in which two or more reactants combine to form one product. Okay in which we had taken example of water how hydrogen and oxygen combine to form water how hydrogen chlorine combine to form hydrochloric acid how magnesium and oxygen combine to form magnesium oxide right these were the examples of combination reaction right how carbon and oxygen combine to form carbon dioxide and how carbon monoxide and oxygen combined to form carbon dioxide. The basic necessities of our life are formed with the help of, not, not just with the help of because of combination reaction. That means the products would uh, the reactants would combine and form products. So now we are continuing with our second type of reaction that is decomposition reaction. Okay. Now what decomposition reaction is? Decomposition reaction. इज़ द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंड और वन सब्सटांस ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स ओके इसमें एक सब्सटांस होगा जो कि ब्रेक डाउन हो जाएगा और दो या दो से ज़्यादा क्या है हमें प्रोडक्ट्स देगा दो या दो से ज़्यादा हमें नए कैमिकल सब्स्टांस देगा ये होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो ये जो हमारे पास सब्सटेंस है ये अपने आप तो टूटेगा नहीं अगर हम कह दें कि हाँ ये कांच है टेबल पे पड़े ये अपने आप तो टूटेगा नहीं कुछ ना कुछ तो करेंगे कि ये दो या दो से ज्यादा टुकड़ों में टूट जाए है ना उसी तरह इसको कुछ ना कुछ तो हमें देना ही पड़ेगा कि ये दो या दो से ज्यादा नए सब्सटेंसेस बनाए नए केमिकल सब्सटेंसेस बनाए है ना तो ये जो है इसको हम कुछ किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट तो, तो करवा नहीं सकते क्योंकि इसने अकेले ने ब्रेक डाउन होना है तो हम क्या है डिफरेंट मैथड्स अप्लाई करेंगे उन डिफरेंट मैथड्स में क्या होगा लेट मी राइट इट डाउन रिएक्शन सो वो जो डिफरेंट मैथड्स है हमारे पास तीन मैथड्स हैं किसी भी सब्सटांस को डीकम्पोज करने के सो एज आई वाज थिंग एज आई वॉज कि जो एक सब्सटांस है वो ब्रेक डाउन होता है दो से दो, दो या दो से ज्यादा सब्सटांसेज से सब्सटांसेज में तो आपको क्या एक क्वेश्चन आ सकता है क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ऑपोजिट है सो यू विल आंसर यस वाई इन दम्बिनेशन रिएक्शन दो या दो से ज्यादा जो सब्सटांसिस हैं कम्बाइन होकर एक सब्सटांस बना रहे हैं लेकिन डिकम्पोजिशन भी उल्टा हो रहा है एक सब्सटांस टूट रहा है ब्रेकडाउन हो रहा है दो या दो से ज्यादा सब्सटांसेज बना रहा है और वो कैसे हो रहे हैं वो हम देखेंगे सबसे पहले अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करें उसे हीट प्रोवाइड करें ठीक है तो वो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में बिखर जाएगा तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे थर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ठीक है अगर हम किसी सब्सटेंस को क्या करें सनलाइट के अंदर रख दें या इस तरह से सनलाइट के अंदर रख ये लाइट के अंदर रख दे बहुत ज्यादा तेज जैसे धूप होती है लाइट के अंदर रख दे तो वो उस उस रिएक्शन का क्या नाम होगा फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और उसका अदर नेम होगा फोटोलाइसिस तो अभी ये एक रह गया इसमें क्या करें अगर हम किसी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक करंट से पास करवा दें किसी के से हम इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट पास करवा दें तो भी वो जो सब्सटेंस है दो या दो से ज्यादा केमिकल सब्सटेंसेस में नए केमिकल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा ठीक है तो उसे हम क्या नाम देंगे इलेक्ट्रोलाइसिस शॉर्ट फॉर्म ही याद रख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस या इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लिखी देती हूं रिएक्शन ठीक है तो ये तो होगी हमारी तीन तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शन फर्स्ट वन इज वेन हीट इज प्रोवाइडेड टू द केमिकल स्टांस

पोटोलाइसिस तो शुरू करते हैं फर्स्ट वन से इसके हम केमिकल रिएक्शन भी करेंगे क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन केमिकल रिएक्शन भी करेंगे और उसे केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे भी ठीक है तो सबसे पहले यही रिएक्शन है आपके पास ये हीट की है ठीक है इसमें क्या है लेड नाइट्रेट है आपने क्या किया एक टेस्ट ट्यूब ली ठीक है इस तरह से इसमें लेड नाइट्रेट रख दिया जो कि वाइट कलर का है ठीक है नीचे जला दिया बर्नर इस तरह से ये निकल रही है इसमें से आग जब ये बर्न, बर्नर जलाएंगे तो इसे हीट प्रोवाइड हो रही है हीट मिल रही है तो क्या हो रहा है हमारे पास लेड ऑक्साइड बन रहा है जो कि येलो कलर का हो रहा है वाइट से इसका कलर येलो हो गया यहाँ पर पीपीटी जमा होनी हो शुरू हो जाएगी विच इज येलो इन कलर और क्या होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे धुआं निकलते हैं ना वैसे फ्यूम्स की फॉर्म में इस तरह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाहर निकल के निकल के आएगा ब्राउन कलर के फ्यूम्स की फॉर्म में ये बाहर निकल के आएगा और हमारे पास आएगी ऑक्सीजन तो क्या हमने लेड नाइट्रेट के अंदर कोई नया सब्सटेंस डाला इसे ब्रेक डाउन करने के लिए नहीं हमने सिर्फ क्या किया इसे हीट किया ठीक है और वो देखिए तीन अलग-अलग सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो गया अनदर एग्जांपल लेते हैं इसी के लेते हैं हीट वाले की ही इसमें हम क्या करेंगे फेरस सल्फेट लेंगे ठीक है जो कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड है ठीक है और जब हम इसे हीट करेंगे एफ ए टू एसओ फोर अलग हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे ठीक है तो ये जो बना है ये तो फेरस सल्फेट था ये भी फेरस सल्फेट है लेकिन ये क्या है एनहाइड्रस एनहाइड्रस फेरस सल्फेट और ये कौन से कलर का मिलता है ग्रीन कलर का तो अब हम क्या करेंगे इस ग्रीन कलर वाले फेरस सल्फेट को फिर से क्या करेंगे हीट करेंगे करें ये देखिए ये यहां पर है एफ टू एसओ फोर इसको हमने हीट कर दिया ठीक है एफ टू ओ थ्री आ गया फेरोक्सो फेरोस ऑक्साइड एक आ गया एसओ टू बाहर इवॉल्व हो गया गैस बन के इवॉल्व हो गया एक आ गया एसओ थ्री ये जो एस ओ टू है इसकी स्मेल कैसी आएगी जैसे बर्निंग सल्फर है बर्निंग सल्फर सल्फर जैसे जल रहा होता है ना उस उसके जैसे इसकी स्मेल आएगी और ये बन जाएगा सल्फर ट्राई अब इसे कैसे किया इसी तरीके से टेस्ट ट्यूब में लिया इसे बर्न किया और हमारे पास ये रिजल्ट देखने को मिला ठीक है तो क्या Fe2O3 का कोई और कलर नहीं होगा

रिएक्शन है हमने दो रिएक्शंस की हैं हीट वाली थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई है ये ठीक है अब हम नेक्स्ट वन पे मूव ऑन करते हैं द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस के मैं आपको एक रिएक्शन करवाती हूँ वो करवाऊंगी मैं आपको एक्सपेरिमेंट की हेल्प से क्या लेना एक प्लास्टिक का मग लेना है यहाँ पे होल्स कर देने हैं ऐसे होल्स कर दिए यहां पर दो कार्बन इलेक्ट्रोड्स लगा दी ठीक है और उसको छ वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया ऐसे ठीक है सिक्स वोल्ट पर तो है नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव तो यहां पर भी क्या होगा नेगेटिव पॉजिटिव है ना तो ये जो है ये क्या बना कैथोड, कार्बन कैथोड, और ये कार्बन एनोड अब इसके अंदर हमने क्या डाल दिया पानी वाटर एड कर दिया वाटर एड कर दिया और उसके ऊपर इतना का कवर करती हुई हमने टेस्ट ट्यूब रख दी यहाँ पर ऐसे इस तरह से हमने इसके ऊपर दो टेस्ट ट्यूब्स डाल दी ठीक है ये जो टेस्ट ट्यूब्स है, है ठीक है तो अफकोर्स इनका लेवल क्या है इसके इनके अंदर थोड़ा लेवल ऊपर होगा ठीक है इस वाले के ऊपर ज्यादा होगा इस वाले के ऊपर कम होगा जब ये रिएक्शन प्रोसेस हो रही होगी और सिर्फ वाटर नहीं होगा कुछ और भी होगा तो क्या होगा मैं बताती हूँ जैसे ही रिएक्शन होगी वाटर का क्या फॉर्मूला है एच टू तो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकरण बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डीकम्पोजेशन रिएक्शन जो एच टू ओ है उसमें हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स क्या है बिखरने शुरू हो जाएंगे हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या किया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं वाटर इसमें क्या हुआ एच टू इलेक्ट्रिक करवाया है ना बैलेंस करने के लिए तो हमारे पास टू एच टू गैस निकल गई और ऑक्सीजन गैस बाहर आ गई ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन ठीक है अब ये जो कैथोड है इसके ऊपर ज्यादा हमें आ, गैस की मात्रा मिल रही है इसमें थोड़ी कम मिल रही है तो जो इसमें गैस की मात्रा हमें मिल रही है इस वाली में कैथोड में कौन सी में गैस मिल रही है यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर ऑक्सीजन ठीक है इसी तरह से जैसे हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में किया था सोडियम और क्लोरीन को कंबाइन करके हमने सोडियम क्लोराइड बना दिया था इसमें ऑफ़ कोर्स इसका उल्टा करेंगे सोडियम क्लोराइड के ऊपर से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे इलेक्ट्रिक करंट ठीक है तो क्या होगा सोडियम अलग और क्लोरीन अलग क्लोरीन जो है गैस बन के फॉर्म में लिबरेट हो जाएगी ठीक है तो ये है हमारी इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन अब हम नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट वन इज फोटोडिकम्पोजेशन रिएक्शन आपको होप्सो समझ आ गया होगा ठीक है नेक्स्ट है हमारी फोटोडिकम्पोजेशन रिएक्शन या हम उसे कहते हैं फोटोलाइसिस अब फोटोलाइसिस में क्या होता है हमने कोई भी एक सब्सटेंस लेना है ठीक है उसको क्या है चाइना डिश में डाल के धूप में रख देना है कुछ नहीं करना हमने वो अपने आप अलग हो जाएंगे ठीक है मान लीजिए हमने सिल्वर क्लोराइड लिया उसे हमने धूप में रख दिया तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी सनलाइट क्योंकि जो भी प्रोसीजर हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने एरो के ऊपर लिखा है अगर हमने हीट प्रोवाइड की तो हीट किया इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया तो इलेक्ट्रिक करंट लिखा है ना उसी तरह से इसके ऊपर से हमने सनलाइट पास करवाई है तो यहाँ पर हम सनलाइट के अंदर रखा है तो रिएक्शन में सनलाइट इन्वॉल्व है अगर डार्क रूम में रखोगे तो वो रिएक्शन होगी नहीं हमने सनलाइट के अंदर इसे रखा है तो ही रिएक्शन हो रही है तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है सिल्वर अलग और क्लोरीन अलग जरूरी नहीं है कि क्लोरीन में ही ऐसा हो रहा है ब्रोमीन में भी होगा अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड ले लें सनलाइट के अंदर रख दें तो क्या होगा सिल्वर अलग और अलग, right? तो ये तो हमारी होगी फोटोलाइसिस। तो हमारे पास हमने तीन तरह की रिएक्शन करी है तीनों की हमने जो केमिकल रिएक्शन है केमिकल इक्वेशन है तीनों की की है तो ये होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हमने कोई नया सब्सटेंस नहीं ऐड करना इनको हम तीन अलग अलग तरीकों से क्या है केमिकल सब्सटेंस को डिकम्पोज करके नया सब्सटेंस बना सकते हैं ठीक है तो ये तो थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के यूजेस भी हैं हमने कोई भी प्योर मेटल लेनी है वो हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन से मिलेगी जैसे प्योर जिंक हमें एक्सट्रैक्ट करनी है किसी जिंक ओ से है ना आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है हमें प्योर सिल्वर चाहिए तो वो हमें किससे मिल रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन से इवन हमारी बॉडी में भी जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है कैसे हम जो भी खाना लेते हैं उसमें स्टार्च होता है है ना और उसमें प्रोटीन्स होते हैं जो स्टार्च होता है वो सारा का सारा ब्रेक ब्रेकडाउन होकर स्टार्च हमें किससे मिलता है पटेटो से मिलता है राइस व्हीट इनसे मिलता है तो जो स्टार्च है हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करने में दिक्कत आती है और जब वो डाइजेस्ट करता है तो वो अलग अलग जो है कंपाउंड से उनमें ब्रेकडाउन कर देता है स्टार्च से जो ब्रेकडाउन होता है जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है हमें क्या मिलता है ग्लूकोज वो ग्लूकोज ही हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है वो हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देता है सिमिलरली प्रोटीन्स प्रोटीन्स हमें किससे मिलते हैं मीट से है ना पल्सिस से सीरियल से मिल्क से ठीक है एग से इनसे हमें प्रोटीन मिलते हैं तो जो प्रोटीन है जब वो डाइजेस्ट होते हैं तो वो किस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं अमाइनो एसिड्स में ठीक है एंड वन मोर थिंग हमने जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की थी उसमें हमने क्या किया था एंडोथर्मिक रिएक्शन की थी इफ़ यू रिमेंबर दैट रिएक्शन देन आई वुड से डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन रिकॉर्ड बिकॉज द एंडोथर्मिक रिएक्शन जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है चाहे इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है चाहे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है सब में क्या है हीट के रिलेटेड कुछ आ रहा है अब ध्यान दीजिएगा सोचिएगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है पढ़िएगा इसको और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शन ये क्वेश्चन है एक ठीक है सीबीएसई में कई बार आ रहा है ठीक है और ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे आपका होमवर्क है डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे होती है इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी